हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को हुआ नुकसान केंद्र सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है। बीजेपी की सरकार में पूंजीपतियों के अच्छे दिन आए हैं। हिंदुस्तान में लॉकडाउन को गलत तरीके से लागू किया गया, नोटबंदी पर जीएसटी को बेतरतीब तरीके से लागू किया गया। ये बात शिमला में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पर कांग्रेस कमेटी के सह सचिव एवं प्रभारी कृष्णा अलाब्रू ने संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान कही। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास ने कहा कि सरकार ने साल में 2 करोड़ की नौकरी पर अच्छे दिन का वादा किया था, लेकिन 3-4 लोगों के ही अच्छे दिन आए हैं। प्रदेश में नौकरी के नाम पर घोटाले किए जा रहे हैं, बेरोजगारी पिछले 45 साल के चरम पर है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल 100 रुपए तक पहुँच गया है। सरकार का विजन नहीं है, ये टेलीविजन सरकार है। मोदी ग्रहण देखने के लिए लाखों का चश्मा इंपोर्ट करते हैं, लेकिन देश की वास्तविकता नहीं देख पाते हैं। श्रीनिवास ने कहा कि उन्हें ऐसा चश्मा भी लेना चाहिए जिससे देश की गरीबी बेरोजगारी को भी देख सकें। ये सरकार सूट बूट की सरकार है। देश में किसान अपनी बात नहीं रख सकते, किसानों को खालिस्तान गुंडा जैसे अपशब्द कहे गए। 26 जनवरी को किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र किया गया। ये सरकार दयाहीन गूंगी बहरी सरकार है। कांग्रेस पार्टी गरीब मजदूर किसानों के साथ खड़ी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सह सचिव एवं प्रभारी कृष्णा अलाब्रू ने कहा कि इस सरकार ने रोजगार नष्ट किए हैं, अर्थव्यवस्था का केंद्र प्रदेश की सरकार ने तहस नहस किया है। आपदा की घड़ी में देश के अमीरों की संपत्ति में वृद्धि हुई, जबकि दूसरी तरफ लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं। देश की भाजपा की सरकार तिरंगा पर राजनीति कर रही है, चीन भारत के अंदर घुस जाता है, लेकिन किसानों को दिल्ली में अपनी बात रखने से रोका जा रहा है। लाल किले पर जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, वहां इस तरह की घटना सरकार की सह के बिना कैसे हो सकती है। इन लोगों का देश की स्वतंत्रता में कोई योगदान नहीं है, इसलिए सरकार शहीदी की कीमत नहीं जानती है। युवा कांग्रेस तन मन धन से खड़ी है। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों के पैसे में 10% कटौती की गई है। ये सरकार कुछ पूंजीपतियों की सरकार है, जिससे बेरोजगारी बढ़ी है। लोग घुस नहीं सकते, चाइना लोग घुस सकते, पता नहीं ऑलरेडी 4.5 किलोमीटर वो लोग अंदर आ चुका, वहाँ घर गिर बसाने भी लगाए, और थोड़े दिन में और क्या होगा पता नहीं है, उसके बारे में इन लोग के पास समय नहीं है, बात भी नहीं करेंगे ये लोग। किसान को क्या बात, खालिस्तान बोल दिया, गुंडा बोल दिया। नो फार्मर्स नो फूड, नो फार्मर्स, ये इसके बारे में इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। किसान 150 लोग शहीद हुआ, उनके परिवार में जाके उनके घर पे किसी से मिला आज तक, उनका दर्द सुने नहीं है, सुनेगा नहीं है। ये सरकार कोई मर्सी नहीं है, किसी के ऊपर मर्सी नहीं है ये सरकार को, ये गुंगे बेरे निकम में सरकार है, बेशरम बोल सकते हैं आप लोग। मीन्स 26 तारीख को किस तरीके से प्लान करके इस किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए इन लोग ने कोशिश किया, तो 2 महीने से शांतिपूर्वक से वो लोग किसान बैठा है, ये काला 3 कानून है उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है, तो आप लोग ने कैसे, वो लोग ने कुछ ही लोग आके घुस के वहां लाल किला में झंडारोहण किया, वो लोग कौन है, किस पार्टी का ताल्लुक रखता है, सारे आपने मीडिया ने दिखाया। अभी मीडिया आप लोग के ऊपर वहां जाके देख सकते हैं, कोई मीडिया वाले दिखेगा उसको पकड़ पकड़ के पीट रहा है। नहीं, आप लोग ने कोई कुछ चीज जनता को दिखाने के लिए कर, किस तरीके से मारपीट हुआ, कम से कम 60 पत्रकार के ऊपर इन लोग ने बुरी तरह पिटाई किया है। बहुत सारे लोग आके डर के नहीं बोल रहे, इस देश में डर का माहौल पैदा कर दिया ये सरकार ने, तो पत्रकार को भी नहीं छोड़ रहे, तो कौन सुरक्षित है इस देश में आप बताओ। पत्रकार है कभी भी सरकार को पलट सकते हैं, सरकार को घेरने का काम कोई किया है, ये पत्रकार लोग ने किया है, ये लोग पत्रकार को भी नहीं छोड़ रहे। मीन्स टोटली फेल्यूर सरकार है, इस देश को 25-30 साल पीछे लेके चले गया है सरकार ने। दोबारा इस देश को बनाना है, वो विकल्प पे कांग्रेस पार्टी है, वो विकल्प पे राहुल गांधी है। हमेशा
संसद से लेके सड़क तक लड़ने का काम किया इस काला कानून को लेके पहले से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हुआ। कांग्रेस पार्टी हमेशा परंपरा है गरीब मजदूर किसान युवा सबके साथ रहना, वो कांग्रेस पार्टी हम लगातार इस देश का अन्नदाता के साथ रहेंगे। इस देश को तोड़ने में और इस किसान आंदोलन को खत्म करने में लगे हैं उसके लिए हम लोग छोड़ेगा नहीं है। आप देख सकते हैं परसों की है जी, पूरा देश भर युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी लगातार ये सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम हमने किया है, बट ये सरकार कहीं ना कहीं सुनने को तैयार नहीं है। मैं बोल दिया ना, कुछ चैनल को ऊपर भी दबाव बना दिया है, सरकार के खिलाफ कोई दिखाना नहीं है। पत्रकार तो लोग रिपोर्ट बना के देता है, ऊपर से उसको बंद करवा देता है। मींस ये सरकार कभी उसके बारे में चर्चा करने को तैयार नहीं है। जो आपका कल बजट आप ही खुद जान लिया है, जो कहां चुनाव होता है वहां का बजट होता है, जो अभी तमिलनाडु में चुनाव है वहां के लिए बजट बन गया।